गेहूं की बात कर लेते हैं, आटा की, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया से जो गेहूं आटा एक्सपोर्ट करती है। एक कंपनी अपन ले लेते हैं उदाहरण, और इस कंपनी के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं है कोई आदमी पैसा कमाए, नहीं अच्छी बात है, मगर किस ढंग से कमा रहा है वो सवाल हो जाता है। अब एक कंपनी है पतंजलि करके। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को। लेके चलता हूँ अपने बड़े भाई अभी भाई की ओर, जो कि एक हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं। आप सभी लोग, खास करके किसान भाई और कृषि सेक्टर से जुड़े लोग, भाई का मैसेज ज़रूर सुनेंगे। आई कम्प्लीटली अग्री विथ हिम, अभी भाई इज एब्सोल्युटली राइट। आप भी सुने अभी भाई क्या कह रहे हैं। जय हिंद, जय किसान, जय भारत। ये 1 मिनट 40 सेकंड का मैंने यहां पे वीडियो लगाया है, अगर आप लोगों के पास समय हो 1 मिनट 40 सेकंड तो जरूर देखिएगा। जो अपने देश के बाहर रहते हैं वो इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा 1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो है सिर्फ, उसके बाद बात करते हैं। देखिएगा जरूर अपने किसान भाइयों के लिए। मुझे पता है कई बार 1 मिनट 40 सेकंड भी बहुत बड़ा वक्त लगता है, पर जरूरी है क्योंकि किसान भाइयों की मुश्किलें भी बहुत बड़ी हैं। देखिएगा एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देश के अंदर बहुत सारे लोग YouTube चैनल चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो YouTube चला रहे हैं अपने TRP के लिए, जिस तरह गोदी मीडिया है उसी तरह गोदी YouTube चैनल भी है। या तो वो कांग्रेस के खिलाफ है और या भाजपा के खिलाफ है, और या दोनों मिलके आम आदमी पार्टी के खिलाफ। समाधान किसी के पास नहीं है, किसी के पास कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे, सिर्फ YouTube चैनल चला रहे 1.5-2 लाख रुपए की कमाई करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, मगर मैं अपनी कोशिश करता रहा हूं 2015 से समाधान निकालने की, और हिंदुस्तान की, भारत की जो प्रोग्रेस है वो एक ही चीज के पीछे छुपी हुई है, वो है भाईचारा, शांति। जिस घर में शांति और भाईचारा नहीं होता वो तो घर भी टूट जाता है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी के झगड़ों के लिए टूट जाता है, भाई भाई अलग हो जाते हैं, बाप बेटे में झगड़े हो जाते हैं, ये देश का सवाल। तो मेरी एक ही कोशिश रही है 2015 से भाईचारा बढ़ाने की, जहां भाईचारा होगा वहां प्रोग्रेस अपने आप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये आपने वीडियो देखा होगा क्या, ये आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गेहूं की बात कर लेते हैं, आटा की, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया से जो गेहूं आटा एक्सपोर्ट करती है। एक कंपनी अपन ले लेते हैं उदाहरण, और इस कंपनी के लिए मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कोई आदमी पैसा कमाए, नहीं अच्छी बात है, मगर किस ढंग से कमा रहा है वो सवाल हो जाता है। अब एक कंपनी है पतंजलि करके, ये किसका दत्तक पुत्र है? मैंने हरदम एक सवाल किया, मैं भी व्यापारी हूं 30 साल से, जब से पतंजलि नहीं उससे पहले से मैं व्यापारी हूं, तो मुझे पता है कि व्यापार में क्या होता है, कहां पे जरूरी होता है करना, तो वहां से व्यापार खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो एक तरह के वस्त्र पहन के, एक तरह की बात करके, राष्ट्रवाद की बात करके आपने ये पूरा कॉरपोरेशन बना दिया, कोई योगी, कोई बाबा, कोई कुछ नहीं, ही इज अ बिजनेसमैन, जैसे मुकेश अंबानी साहब है, जैसे गौतम अदानी साहब है, वैसे ही बाबा रामदेव है, ही इज अ बिजनेसमैन।
मेरे घर पे पतंजलि का आटा आता है, बहुत बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है, पैकेजिंग बढ़िया, सब बढ़िया। मेरे दोस्त है जय किसान संगठन के अध्यक्ष, उनका नाम है रमन रंधावा, मेरी आज उनसे बात हो रही थी तो मैं बड़ा कहते क्यूरियस हो गया। उन्होंने मुझे बताया कि जो गेहूं बिकता है वो 18 रुपए किलो बिकता है। मैंने कहा मगर हम लोग तो यहां पे 700 रुपए किलो लेते हैं, तो ये जो बीच का है, अगर आप दुगना भी कर लें, तिगना भी कर लें, 4 गुना कर लें, 5 गुना कर लें, 10 गुना कर लें, तो भी एक कमाई का एक अपने दायरा होता है। अगर आप उससे ज्यादा कमाई करते हैं तो उसको हराम की कमाई बोलते हैं। किसकी बोलते हैं? हराम की कमाई। जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं जिस धंधे में हूं उसमें 30 साल हो गए, हीरा बाजार में। हीरा एक बहुत ही गरीब देश है, कांगो वहां से आता है, वैसे गरीब नहीं है, उसको गरीब किया गया है बाकायदा। वैसे कांगो इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, गूगल करके देख लीजिएगा कितना रिजर्व्स है वहां पे, बाय नेचर के रिजर्व्स कितने हैं, $23 बिलियन के रिजर्व्स हैं। अपने इंडिया में भी यही था, मगर इंडिया में पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, और अब अपने ही लूट रहे, तो ये लूट कैसे कम करी जाए? जब तक एकता नहीं होगी, जब तक सत्य के रास्ते पे नहीं चलेगा इंडिया, तब तक अपने देश में गरीबी कभी नहीं हट सकती। अब आप पूछेंगे सत्य क्या है? सत्य है, धर्म है। अगर आप अपने आप को धार्मिक समझते हैं कि हम धर्म के रास्ते में हैं, मगर अगर आप सत्य के साथ नहीं है तो आप धार्मिक नहीं है। आप चाहे 5 बारी नमाज पढ़ लीजिए, मंदिरों में जाके घंटे बजा दीजिए, अगर आप सत्य के साथ नहीं है तो आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो बात वहीं खत्म हो जाती है। ठीक है, सुनिएगा, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो आपने अभी वीडियो देखा था, ये हमारे बेचारे गरीब किसान जो है उनसे, उनको निचोड़ के ये लोग 18 रुपए 20 रुपए क्विंटलों के हिसाब से हजारों रुपए मतलब क्विंटल में ले लेते हैं, और फिर ये हजारों डॉलरों में माल बेचते हैं। दुनिया भर में इंडिया का माल जा रहा है, दुनिया भर में, क्योंकि इंडियन हर जगह बसे। अभी आंकड़ों के हिसाब से पूरी दुनिया में जो इंडियन बसे हैं वो है 35 मिलियन, सिर्फ इंडियन इंडियन। वो आटा तो पाकिस्तानी भी खाता है, बांग्लादेशी भी खाता है, नेपाली भी खाता है, वेस्ट इंडियन भी खाता है, मलेशियन भी खाता है, यहां पे मलेशियन पराठे बनते हैं। ये मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी ना, जब तक बदलाव नहीं आएगा। सरकारें कितनी बदलते जाए, आप दिल्ली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप खुद में जागरूक नहीं हो गया कि हम कैसे कर सकते हैं काम, तब तक देश में कोई बदलाव नहीं आने वाला। बोर हो रहे होंगे आप, मैं भी हो जाऊंगा अगर कोई मुझे इस तरह लेक्चर सुनाएगा, और मुझे जो सत्य का शीशा दिखाने की कोशिश करेगा तो मुझे उस पर गुस्सा भी आएगा, करेक्ट है ना? पर जरूरी है गुस्सा आना आप लोगों को, जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप लोगों को समाधान नहीं मिलेगा। गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूब चैनल से कुछ नहीं होने वाला, नथिंग। दे बोथ आर गोना मेक मनी एंड पीपल आर गोना गेट पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, ओके? दैट्स द फैक्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। अभी बोलते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म है, पूंजीपतियों के हाथ में जमीन चले जाएगी, बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अभी तो इनकी फसल जो है, जो कि समझिए 50 रुपए किलो होनी चाहिए, वो 5 रुपए किलो बिक्री है, तो बाद में तो जब जमीन भी इनकी हो जाएगी तो ये तो मुंह में ही कीमतें मांगेंगे। मैं तो मोटा मोटा देखता हूं पिक्चर बिजनेस के अंदर, मैं ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता। मुझे सिंपल एक चीज पता है, प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे A+B² वाला जो फॉर्मूला बताया था ना एक साहब ने, वो मुझे नहीं समझ में आता। मुझे प्रॉफिट समझ में आता है कि प्रॉफिट मेरा किसान भाई कैसे कमा सकता है, जागरूकता नहीं है। और सबसे बड़ी ये बात हो गई है आज की तारीख में, जो किसान लोगों की सेकेंड जनरेशन है वो इन्वॉल्व ही नहीं किसानी के अंदर। कोई IT में चले गए, कोई दूसरे बिजनेस कर रहे हैं, तो बेचारे जो दादाजी हैं या पिताजी हैं वही अभी तक किसानी कर रहे हैं। आपने ट्रैक्टर खरीद लिए, आपने भैंसे पाल ली, इससे कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करनी आया। इंडिया के अंदर जो बैंकिंग व्यवस्था है वो किसानों को कभी सपोर्ट नहीं करी। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में 1-1 रुपए के रिफंड के चेक्स आए थे, जब लोन माफी का टाइम आया था तो 1 रुपए की लोन माफी हुई थी, याद है आप लोगों को? वो भी आप लोग देख लीजिएगा, गूगल में आपको मिल जाएंगे वो चेक्स की कॉपी। तो ये किसी लोगों को ये समझाना है कि तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और बेवकूफ रहोगे, तभी आप लोगों को 1 रुपए का चेक देने की उनकी हिम्मत होती है, नहीं तो नहीं हो सकती। बाद में यूरिया का पंगा है, किसान इंश्योरेंस कार्ड का पंगा, सॉइल का एक बनाया था इन लोगों ने कि हम लोग सॉइल की लैब डालेंगे जिसमें सॉइल टेस्टिंग होगी, ये आप लोग भूल गए होंगे, मैं याद दिला रहा हूं, मुझे याद है। 15,000 मील दूर बैठ के मुझे याद रहता है कि मेरे देश में क्या हुआ था, क्या बोला था और क्या हो रहा है, मगर आप लोगों को याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारा का सारा है ना, ये सारे के सारे डीलर्स है, जैसे पतंजलि है वैसे ये भी डीलर्स हैं जो आपने वीडियो देखा, ये लोग किसानों को चूस रहे हैं।
और किसानों को मैं एक अपनी तरफ से बोलना चाहता हूं, अपने आप को अन्नदाता बुलवाना बंद कर दीजिए। आप अन्नदाता नहीं है, आप भी व्यापारी की तरह सोचिए। जिस तरह अंबानी और अदानी सोचते हैं, जिस तरह टाटा बिरला सोचते हैं, आप भी उसी तरह सोचिए। आपको सोचने में तो कोई टैक्स तो नहीं लगता जीएसटी, आप लोग क्यों अन्नदाता बन जाते हैं? आपका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए, प्राइस छोड़िए, अगर वो खरीदेंगे खरीदेंगे और खरीदेंगे। 1.4 बिलियन पीपल दे नीड टू ईट फूड 3 times a day। द बिगेस्ट मार्केट, फूड मार्केट इन द वर्ल्ड इज इंडिया, और इंडिया का किसान सबसे ज्यादा परेशान। ये कैसे हो सकता है? मार्केट भी है, कस्टमर भी है, प्रोडक्ट भी है, मगर जो इसका जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो तकलीफ में। ऐसा कैसे हो सकता है? सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बिचौलिए बैठे हैं, वो चाहे सरकारी बिचौलिए हो, चाहे इसी बिजनेस के बिचौलिए हो। मेरा पहले की वीडियो भी आप उसमें देखिएगा, मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी ये चीज, और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को भी ब्रांड बनना पड़ेगा अपना। जिस तरह आजकल कई नेता हैं जो अपने में ब्रांड बन चुके हैं, इंडिया से बड़ा ब्रांड है उनका, है ना जी। कई लोग हैं जो आज की तारीख में इतने बड़े ब्रांड चला रहे हैं, तो आप लोगों को भी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। उसके अलग तरीके हैं। कभी भी जो किसान संगठन के हमारे भाई के नेता लोग हैं वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं समझा सकता हूं उनको, मैं आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूं। चलना आपको है, मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको चलाने वालों में से नहीं हूं, नहीं। मैं आपका आत्मसम्मान पर हमला करने वाला नहीं हूं, नहीं। आप जब खुद चलेंगे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फलाना ढिमकाना आदमी ने हमारे को उंगली पकड़ के चलाया था, नहीं, वो काम नहीं करने का। मैं आपको समझा सकता हूं कि कैसे करने का। आपको जरूरत नहीं है सरकार की, मालिक, आपको कोई जरूरत नहीं है सरकार की। आप खुद में एक सरकार है आप लोग, मगर आप लोग अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी अहमियत को खुद ही नहीं जानते, खुद ही नहीं जानते। बहुत दुख की बात है आज की तारीख में हमारे किसान भाइयों के ऊपर लाठी चार्ज, पानी की बौछारें, हमारी हमारी मां की उम्र की औरतें रोड पे चल रही हैं। पहले मजदूरों का हुआ था, अभी किसानों का हो रहा है। महिलाओं के साथ रेप नहीं बंद हो रहे। अच्छे दिन, या तो अच्छे दिन की डेफिनेशन चेंज कर दीजिए या अच्छे दिन की स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अच्छे दिन कतई नहीं है। आज की तारीख में देश में जो अच्छे दिन ये समझ रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आप लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। जिस देश का किसान परेशान होगा ना, उस देश की आवाम परेशान होगी, इस बात का याद रखिएगा। तो ये जो मैंने दिखाया था, ये अमेरिका का मार्केट है सारा का सारा, जो आज की तारीख में अमेरिका में इम्पोर्ट हो। पहले मजदूरों का हुआ था, अभी किसानों का हो रहा है। महिलाओं के साथ रेप नहीं बंद हो रहे। अच्छे दिन, या तो अच्छे दिन की डेफिनेशन चेंज कर दीजिए या अच्छे दिन की स्पेलिंग चेंज कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अच्छे दिन कतई नहीं है। आज की तारीख में देश में जो अच्छे दिन ये समझ रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आप लोग अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। जिस देश का किसान परेशान होगा ना, उस देश की आवाम परेशान होगी, इस बात का याद रखिएगा। तो ये जो मैंने दिखाया था, ये अमेरिका का मार्केट है सारा का सारा, जो आज की तारीख में अमेरिका में इम्पोर्ट होता है। और आप लोग जो माल बेचते हो अपने 54 के भाव में, यहां पे डॉलरों में बिकता है। तो आप लोगों को पता करना जरूरी है ये बीच का किस्सा क्या है। बाकी मैं आपका भाई बैठा हूं, आप लोग कभी कोई चीज समझनी हो या कोई चीज सीखनी हो, जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसके लिए मुझे गालियां भी पड़ती हैं। आजकल तो ये वक्त आ गया है कि अगर आप किसी को समझाना भी चाहो तो वो भी आपको माँ बहन की गालियां बकता है। ये अंदर की द्वेष है, अंदर की घृणा है, उपहास का एक एक अपने कल्चर पैदा हो गया, उपहास करना। अब तो पार्लियामेंट में भी तो उपहास करते हैं ना सब, एक दूसरे का डिमीन करते हैं एक दूसरे नेताओं को। तो जहां पे उपहास होगा लोगों का, वो देश आगे बढ़ नहीं सकता। हम सबको एकता के साथ रहना है, एकजुट, और गलत हो गलत बोलना है, दैट्स इट। चाहे कोई भी हो, जिस दिन आप लोगों ने ये कर लिया, उस दिन वो 5 trillion वाली बात थी ना, उस रास्ते पे आपकी शुरुआत होगी। पहुंचोगे कब तक वो दूसरी बात। जय हिंद।